जीजिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से सदी का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए पीएम मोदी यूएन की बिल्डिंग में हुंकार भरने वाले हैं। माना जा रहा है कि यूएन वार्षिक सम्मेलन के घोषणा पत्र में इस बार बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। भारत और अफ्रीका के कुछ देशों को वीटो पावर और परमानेंट सीट देने की घोषणा की जा सकती है। लेकिन इसी के साथ अमेरिका और यूएन पहुंचकर पीएम मोदी चीन का तगड़ा इलाज करने वाले हैं। चीन के खिलाफ एक तरह का नाटो फिर से एक्टिवेट हो गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी ठान लिया कि अगर चीन हमें वीटो पावर नहीं देगा तो फिर हम उसका सारा खेल बिगाड़ देंगे। चीन के लिए सबसे टेंशन की बात यह है कि 23 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे यूएन में भारत की स्थिति मजबूत होगी, जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस सम्मेलन में भविष्य का यूनाइटेड नेशन कैसा हो, इस पर भी चर्चा होगी, और किन नए देशों को परमानेंट सीट दिया जाए, इसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है। खास करके ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने पिछले 33 सालों में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, अब उन्हें बाहर निकालने की आवाज बुलंद हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत और एक अफ्रीकी देश को परमानेंट सीट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि यह संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में आयोजित होगा। इससे जुड़े सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर देंगे। इस बार के शिखर सम्मेलन को भविष्य का शिखर सम्मेलन कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान चुनौतियों को समझना और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समाधान ढूंढना है। वर्तमान चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यूएन युद्ध रोकने में नाकामयाब साबित हुआ है, और अब इसका समाधान यही है कि परमानेंट सीट का विस्तार किया जाए और भारत जैसे महान देश को वीटो पावर दिया जाए। नहीं तो ब्रिक्स में तेजी से विस्तार हो रहा है और वो जल्द ही यूनाइटेड नेशन को खत्म कर देगा। आप सभी को पता है कि वर्तमान के चुनौतियों में दूसरी सबसे बड़ी चुनौती चीन बना हुआ है, इसलिए उसका उपाय करने के लिए भी प्लान तैयार किया जा सकता है। जैसे कि चीन ने पिछले कुछ समय में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने के लिए किया है, इसलिए उस पर भी हंटर चलाना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि यूएन भविष्य में प्रभावी बना रहे और आतंकियों को सजा दी जा सके। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ चीन को भी हटाया जाए, क्योंकि चीन एक लोकतंत्र नहीं है और दूसरों की जमीन कब्जा करता जा रहा है, आतंकियों का समर्थन भी कर रहा है। इसलिए चीन ने वीटो पावर को लेकर यूनाइटेड नेशन की गरिमा को गिरा दिया है। अगला सवाल यह है कि आखिर किस समाधान को ढूंढने के लिए यह शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। तो यूएन शिखर सम्मेलन का मतलब है दुनिया के राष्ट्र प्रमुख एक साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं। भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट का समर्थन करने के बाद यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी देशों से इस शिखर सम्मेलन का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें वैश्विक एकजुटता की जरूरत है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सकें। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर भारत जैसे देश यूनाइटेड नेशन से छटक गए तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले जैसे ही ये खबर आई कि पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के सभी बड़े अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि पीएम मोदी संबोधन करेंगे। इस सम्मेलन में भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक खास घोषणा पत्र भी पेश किया जाएगा, जिसमें नए दौर की समस्याओं का समाधान ढूंढने पर जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में कई बड़े देश भारत और अफ्रीका को वीटो पावर देने का समर्थन कर सकते हैं। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एक नए संयुक्त राष्ट्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर आप भी यूनाइटेड नेशन से जुड़े सभी अपडेट्स को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस नाटो की जो चीन के लिए बनाया गया है और इसकी मीटिंग से चीन में अफरा तफरी का माहौल क्यों है। तो देखिए, 22 सितंबर से लेकर 3 दिन तक पीएम मोदी अमेरिका में धूम मचाएंगे। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये बैठक पहले भारत में होनी थी, लेकिन अब अमेरिका इसे होस्ट करेगा और भारत 2025 में क्वाड समिट होस्ट करेगा। इस समिट का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास और प्रगति पर ध्यान देना है। लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य चीन को ठोकना है। जिन्हें क्वाड के बारे में नहीं पता, उन्हें संक्षिप्त में बता दें कि क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आतंक को रोकना है और साथ ही शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। क्वाड का गठन इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों को चिंता है कि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से अन्य देशों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड को नाटो भी कहा जाता है। जिस प्रकार रूस को रोकने के लिए नाटो काम करता है, कुछ उसी प्रकार चीन को रोकने के लिए क्वाड काम करता है। क्वाड के सदस्य आपस में चीन के खिलाफ युद्ध अभ्यास भी करते हैं। अगला सवाल है कि आखिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का आतंक लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है।
तो चीन लंबे समय से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो साउथ चाइना सी में अवैध रूप से कई द्वीपों और समुद्री इलाकों पर दावा करता है और वहां सैन्य निर्माण कर रहा है। कई छोटे देशों पर दबाव डालकर वो उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहता है। चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश उसके इस विस्तार को चुनौती दे। यूएनएससी में उसके पास वीटो पावर है, इसलिए इस इलाके में वो मनमानी करता है। लेकिन क्वाड में शामिल होकर भारत ने चीन को तगड़ा इलाज किया है, इसलिए चीन को डर है कि क्वाड उसकी विस्तारवादी नीतियों पर रोक लगा सकता है। अगला सवाल है कि आखिर क्वाड को इंडो पैसिफिक का नाटो क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पिछले कुछ समय से क्वाड के अंदर मिलिट्री कॉरपोरेशन काफी बढ़ चुका है, जिसे लेकर चीन काफी परेशान है। उदाहरण के तौर पर क्वाड देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ अभ्यास करती हैं। ये चीन को संकेत देता है कि क्वाड देश मिलकर उसकी आक्रामक गतिविधियों का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि क्वाड और नाटो की फंक्शनिंग अलग अलग है। अगला सवाल है कि क्वाड इंडो पैसिफिक के छोटे देशों को चीन के जाल से कैसे बचाता है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र व्यापार और समुद्री रास्तों का अहम केंद्र है। चीन ने यहाँ अपनी मजबूत आर्थिक पकड़ बनाई हुई है, खासकर छोटे देशों को कर्ज देकर या निवेश करके, जो कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं चीन उनकी जमीन पर सीधा कब्जा कर लेता है। क्वाड का उद्देश्य यहाँ पर फ्री और ओपन ट्रेड सुनिश्चित करना है, जो चीन की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सके, और इस तरह से वो छोटे छोटे देशों का जमीन कब्जा भी नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मालदीव जैसे कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रहा है। अगर क्वाड देश मिलकर इन प्रोजेक्ट्स का वैकल्पिक समाधान पेश करते हैं तो चीन को आर्थिक नुकसान हो सकता है और चीन को इन देशों से दूर रखा जा सकता है। इसके अलावा चीन अक्सर छोटे देशों के साथ व्यापारिक और सामरिक विवाद में आक्रामक रवैया अपनाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्वाड का मुख्य उद्देश्य इन देशों को समर्थन देना है, ताकि वो चीन के दबाव में ना आए, जैसे कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई किए थे, ताकि वो चीन के खिलाफ अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके। वियतनाम, फिलीपींस और अन्य छोटे देशों को चीन की आक्रामकता से परेशानी होती है, और क्वाड इन देशों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान कर सकता है। अगला सवाल है कि क्वाड के लोकतांत्रिक ढांचे से चीन क्यों परेशान है? तो क्वाड देशों का एक प्रमुख सिद्धांत ये भी है कि ये क्षेत्र फ्री और ओपन हो, जहां कानून और नियमों का पालन हो, जबकि चीन की सरकार एक सत्तावादी यानी ऑथोरिटेरियन व्यवस्था है। वो जहां मर्जी वहां तंबू गाड़कर उस पर दावा ठोकने लगता है। चीन को क्वाड से इसलिए डर है क्योंकि क्वाड देशों की लोकतांत्रिक सोच उसके प्रभाव को चुनौती दे सकती है। साउथ चाइना सी का उदाहरण लें, जहां चीन के कई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए हैं और वहां सैन्य ठिकाने स्थापित किए गए हैं। चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन कई देश इसे नहीं मानते। क्वाड देशों ने इसका विरोध किया और समुद्री कानूनों का पालन करने की बात कही। चीन को डर है कि क्वाड देश मिलकर उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत को चुनौती दे सकते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इसलिए वो इसे रोकने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में डाल सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।